हेलो दोस्तों, वेलकम टू काटा बाजार। दोस्तों, काटा बाजार फैमिली की तरफ से आप सभी दोस्तों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ऊपर वाला आप सभी को इसी तरीके से हेल्दी रखे, खुशहाल रखे और बहुत सारी खुशियां दे दोस्तों ये आने वाले नए साल में। और काटा बाजार की तरफ से एक बहुत ही बेटर ऑप्शन और बेटर ही एक मशीन मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों आज, जो कि आपको देख के मजा आएगा। और दोस्तों, इसी तरीके का और भी मशीनों के बारे में जानने के लिए, जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, इसी तरीके से अगर आप कंटिन्यू सपोर्ट करोगे तो मैं आपको एक से बढ़कर एक मशीनों के वीडियो देते रहूंगा दोस्तों। इसी तरीके का और भी मशीन, जैसे आज देखिए, जो आज मशीन मैं आपको जिसके बारे में बताने वाला हूँ, ये मशीन है, बहुत ही बेटर मशीन है, पॉज टाइप की मशीन है, इसमें पीस राउंडिंग फीचर्स है। आप मॉल वगैरह में, अगर किसी बड़े मॉल वगैरह में मशीनें देखोगे तो आपको इस टाइप की मशीनें मिल जाएगी। और इसका सेटिंग बहुत ही मुश्किल होता है, लोगों को पता नहीं होता। और इसके जो पासवर्ड होते हैं, जो एकदम यूनिक होते हैं, छोटे छोटे बातों के लिए आप बहुत सारी चीजें इसमें जो सेटिंग करना होता है वो आपको नहीं पता होता। तो दोस्तों, ये वो सेटिंग सारे कुछ जानने के लिए आप सबसे पहले काटा बाजार को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए दोस्तों। इसके बाद ही मैं आपको इसका बेटर वीडियो देते रहूंगा दोस्तों। आइए, मैं आपको ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बेटर मशीन के बारे में समझाता हूँ। और इसके बारे में मैं एक्चुअली पूरा नहीं बता पाऊंगा आज, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसकी वजह से मैं आपको शॉर्ट इसमें बता दूंगा। बाकी इसके बारे में जो भी आपको जानना हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप उसमें मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसको मंगाने के लिए आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, इनकेस आपको रिक्वायरमेंट हो, आपको मशीन मंगाना हो, इंडिया के किसी भी कोने में आपको चाहिए होगा, आपको डिलीवरी मिल जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल, अभी ट्राई कर रहे हैं एक्चुअली। आपको अगर कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो आपको ये मशीन को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस करना पड़ेगा, जो कि काटा बाजार से ही आपको कर देंगे। बाकी शिपमेंट के लिए अगर आपको डायरेक्टली आप कार्ड वगैरह से पेमेंट करेंगे तो काटा बाजार से आपको डायरेक्टली डिलीवरी कर देंगे। डिलीवरी से हमारा डील चल रहा है, अगर डिलीवरी से फाइनल हो जाता है तो फिर डिलीवरी से आपको कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल हो जाएगा। बेटर है दोस्तों, एक और बड़ी बात बतानी आपको कि अगर काटा बाजार के थ्रू आप बल्क में मशीनें मंगाना चाहते हो, आप डीलर बन के आप मशीनों को रीसेल करना चाहते हो, तो दोस्तों हमारे पास बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो आप लेके आप रीसेल कर सकते हो। अगर आप डीलर हो, आप किसी भी स्टेट के हो, किसी भी एरिया के हो, लाइक MP से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो या कर्नाटका से हो, आप कहीं से भी अगर आपको बल्क में मशीनें मंगानी है तो आप काटा बाजार से मंगा सकते हो दोस्तों। बट बशर्ते आपके पास डीलरशिप लाइसेंस होना चाहिए। इन केस आपके पास डीलरशिप लाइसेंस नहीं है, फिर भी आपको डीलर बन के मशीनें सेल करनी है, बेचना है, तो आप डीलर लाइसेंस ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपको किस तरीके से मिलेगा तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट करेंगे तो मैं आपको डीलर लाइसेंस आपके इंडिया के कौन से भी कोने में आपको डीलर लाइसेंस निकाल के दूंगा, प्लस आपको मशीन अवेलेबल कराऊंगा। आप काटा बाजार का एक ब्रांच लेके मशीनें सेल कर सकते हैं, डीलरशिप लाइसेंस निकाल के मैं दूंगा आपको। कहीं पे भी आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो भी आप मुझे बताइए, मैं जहां तक हो सकेगा हमारी टीम है जो आपको हेल्प करेगी लाइसेंस निकालने में। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको डायरेक्टली मशीन के बारे में बताता हूँ दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम इसी तरीके के और भी बेटर वीडियो में। दोस्तों, आप सब्सक्राइब करिए। मॉडल का मशीन है, आप इसको देखेंगे, इसके साथ में आपको चार्जर आएगा इस तरीके से, फिर ये CPU कनेक्टर PC से कनेक्ट कर सकते हैं आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से। ये मशीन आप किसी भी मॉल वगैरह में आपको देखने को मिलता रहेगा। ये प्लेटफॉर्म के लिए है, इंडिकेटर है, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी का आप इसको टेबल टॉप में भी यूज कर सकते हैं, अगर टेबल टॉप मशीन चाहिए रहेगा तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। इस तरीके से इसमें डस्ट कवर मिलता है जो कि आपको यूज करनी है। फ्रेंड्स, ये इतना ज़बरदस्त मॉडल का मशीन है, आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी मिल जाएगा, जहाँ पर भी आपको रिक्वायरमेंट हो काटा बाजार से आपको डिलीवरी करके मिल जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हो इसको इस तरीके से, इसके फीचर्स हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको इसके आगे धीरे धीरे आपको इसका फीचर्स बताने वाला हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि इसमें क्या क्या खासियत है। यहाँ पर एक LED डिस्प्ले और एक LCD डिस्प्ले मिलता है विथ प्रिंटर है। इसमें 56 की है, सेम टू सेम कीबोर्ड की तरह आप इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे आपको कंप्यूटर कोड मिल जाता है, यहाँ से आपको डेटा ड्राइव मिल जाता है, आप पेन ड्राइव में डेली का डेटा आप इससे ले सकते हो कि आपने पूरे दिन में कितना वेट किया या किस पार्टी को कितना माल भेजे।
तो इसमें आगे की जो अधिक जानकारी है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें फीचर्स ऐड कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से इसको यूज करना है। तो आइए दोस्तों देखिए, फ्रेंड्स देखिए आपको इस तरीके से इसमें से कुछ सादा बिल आता है जो कि आप इसमें डेट टाइम देख सकते हैं। डेट टाइम के साथ में आप बॉक्स नंबर, पार्टी नेम, वेट या रिमार्क, अभी फिलहाल इसमें इतना है। इसमें अगर आप चाहें तो आप कंपनी नेम, एड्रेस या लाइन इंचार्ज या कौन सी पार्टी को माल दिए, उसका एक्सपायरी डेट वगैरह सभी कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसका एकदम सिंपल है, आप इसको अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इन केस आपके पास ये मशीन हो और आप उसका सेटिंग नहीं समझ पा रहे हो तो आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको इसका पर्टिकुलर सेम सॉफ्टवेयर का मैं आपको वीडियो लिंक कर दूंगा और वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो आप देखिए इस तरीके से, इनकेस अगर आपको कभी इसका सेटिंग करना हुआ तो आप अगर ये जैसे कि ये मॉडल जो है वो पीस काउंटिंग मॉडल है, आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें पीसेस बताएगा और पीस काउंटिंग करेगा। पीस काउंटिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है हमारे पास ये। ये पीस काउंटिंग ज़्यादातर जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं या जो लाइक छोटे छोटे पीसेस नट बोल्ट वगैरह बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर यूनिट होती है वहाँ के लिए बहुत ही बेटर मशीन है, बहुत ही ज़बरदस्त चलती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है कि वो जो भी माल बना के भेज रहे हैं वो माल पे उनका नाम हो सबसे पहला, या लोगो भी आप डाल सकते हैं, आप उन पे नाम, अपना नाम ही पर्टिकुलर डाल सकते हैं कंपनी का, कंपनी के नाम के साथ में डेट टाइम, कौन से डेट को ये पैकिंग हुआ था, क्या टाइम था जब ये पैकिंग हुआ था, उसका बॉक्स नंबर क्या था, सीरियल नंबर क्या था, कौन से मशीन से पैकिंग हुआ था, आप वो भी जान सकते हैं। फिर पार्टी नेम, किस पार्टी को आपको आपने ये मटेरियल भेजा था और कौन से डेट को कितना भेजा था आप इसमें। और जो सबसे बड़ी खासियत है, आप इसमें एक और फीचर्स है कि आप इसमें अगर इनकेस आपने जो प्रिंट आउट निकाला वो प्रिंट आउट की तरफ घूम गया, लाइक आपने मटेरियल भेज दिया, तो आप उसको रीप्रिंट भी कर सकते हैं सब। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी खासियत, इसमें मेमोरी है, लगभग आप इसमें सारे डेटा सेव होते रहते हैं। अगर आप जितना भी मटेरियल भेज रहे हो सारा डेटा आपका सेव हो जाएगा। आप एक साथ में इसमें बल्क में भी एक बार में ऐड करके रख सकते हो कि कौन सा मटेरियल पर्टिकुलर, उसका नाम, उसके पीसेस में कौन से हिसाब से काउंट होगा, तो आप एक बार सेव कर सकते हो। अगर बल्क में आपको ऐड करना है तो आप डायरेक्टली इसको पीसी से भी कनेक्ट करके आप इसमें कर सकते हैं, नहीं तो आप एक कीबोर्ड लगा सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी 56 की है जो कि सेम कीबोर्ड में होता है, तो ये कीबोर्ड की तरह ही काम करता है। आप उसमें इसको अटैच करने के लिए बहुत ही बेटर इसमें आपको कनेक्टर मिल जाता है जो कि आपको इजीली पीसी से लिंक हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसका वेट एक्सेल में भी ले सकते हैं इनकेस अगर आपको चाहिए तो, और बाकी का डेटा अगर आपको चाहिए कि भाई डायरेक्टली आप एक साथ में फॉर्मेट बना के आप पार्टी को भेज सको कि हमने आपको इतना मटेरियल भेज दिया, इस डेट में भेजा, इस आदमी ने पैक करके भेजा था पर्टिकुलर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मिस होने के बाद हम सोचते हैं यार किसने किया रहेगा, किसकी गलती की वजह से ये प्रॉब्लम हो गया है या किसी ने डिफेक्टिव पीस भर दिया है, तो पर्टिकुलर आप उस लाइन इंचार्ज का नाम उसमें डाल सकते हैं कि इस बंदे ने इसको पैक किया था और इसको डिस्पैच किया था। तो इस तरीके से ये सेटिंग के लिए बहुत ही बेटर मशीन है। आप इसमें कई सारा सॉफ्टवेयर है, सबसे पहला पीस काउंटिंग सॉफ्टवेयर है, फिर पॉस है, लाइक आप कांदा बटाटा या कोई छोटा मॉल चला रहे हो या छोटा जैसे अभी बहुत सारे सुपरमार्केट आ रहे हैं तो सुपरमार्केट के लिए भी बहुत ही बेटर मशीन है। इसमें आप एक साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जैसे कांदा बटाटा विद इमेजेस आपको दिखेगा। आप उसमें जैसे आप डीमार्ट वगैरह में मशीन देखते रहोगे, डीमार्ट में हो गया या बिग बाजार वगैरह में, तो सेम उस तरीके से मशीन काम करता है। तो आप ये मशीन को काटा बाजार से परचेस कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। डिलीवरी आपको जो भी रहेगा डिलीवरी चार्जेस लगेगा और आपको डिलीवरी करके दे देंगे। तो इसमें क्या एक्स्ट्रा जो सॉफ्टवेयर हो मैं आपको बताऊं, तो इसमें जैसे आप इसको सेटिंग करने के लिए जब आप जाते सेटिंग है, सेटिंग इसका समझने के लिए मैं आपको सिंपल से 2-3 सेटिंग बता देता हूं। बाकी का जो सेटिंग रहेगा वो आप इसको बाद में भी जब आप पूछोगे, जब आपको रिक्वायरमेंट होगा तो आप मुझे बताना, आप कमेंट करोगे तो भी मैं आपको इसका वीडियो बना के भेज दूंगा, नहीं तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो या मुझे कॉल कर सकते हो। कॉल अगर आपको मशीन मंगाना हो तो कर सकते हो, अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड कुछ जानना हो तो आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि कॉल करोगे तो मैं थोड़ा बिजी रहता हूं तो आपको शायद जवाब ना दे पाऊं। तो मैं आपको सिंपल सा कुछ चीजें दिखाता हूं। इसके सेटिंग में जाने से पहले अगर आपको इस तरीके से कुछ भी आ रहा है, यहाँ पे प्राइस आ सकता है या पीस आ सकता है, ये पी दिख रहा है तो मतलब पीसेस है, इसको प्राइस मोड में जा सकता है, पॉज टाइप की मशीन है।
तो इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर है। तो आप स्किप की सबसे पहले आप इसका जब स्किप दबाएंगे तो आपको यहाँ पे डेड टाइम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डेड टाइम आ जाता है, ये अभी फिलहाल सेटअप नहीं है, प्रॉपर सेट करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेड और एग्जैक्ट टाइम ही आपको दिखेगा। नहीं एकदम परफेक्ट है, अभी फिलहाल सेटिंग है इसमें जो ऑटो सेटिंग मोड पे है, तो ऑटोमेटिक वो डेट और टाइम सेट कर लिया। तो इस तरीके से डेट टाइम लाके फिर आपको एल्ट एम की बटन दबानी है। तो यहाँ पे यूजर पासवर्ड आएगा, यूजर पासवर्ड में वो पासवर्ड डाला जाएगा जो यूज करने वाला डालता है। फिर इसमें दो टाइप के पासवर्ड है, जैसे कि अगर आप स्किप करके वापस आते हैं तो मैं आपको दिखाऊं। तो अगर आप अल्ट एम दबाते हैं तो ये मेन पासवर्ड आता है। तो मेन पासवर्ड आपको नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, मैं सिंपल इसको यूजर पासवर्ड बताता हूँ क्योंकि यूजर पासवर्ड की आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप स्किप करके रिटर्न आ जाइए, अल्ट एम की बटन आप एक बार दबाएंगे तो आपको डायरेक्टली यूजर पासवर्ड डालने के लिए आएगा। तो इसका यूजर पासवर्ड है 1 2 3 4। ये दबाने के बाद आपको एंटर एक बार प्रेस करना है तो आपको मेन मेनू खुल जाता है। मेन मेनू में आपको पैरामीटर सेटिंग मिलता है। आप इसमें पैरामीटर सेटिंग है, फिर इसमें प्रिंटर सेटिंग है, फिर आपको प्रिंट आउट सेटिंग है, आप इसमें प्रिंट फ्रेम सेट कर सकते हैं कि क्या रेट में रहेगा, कितना साइज रहेगा उसका। फिर इसमें सिस्टम आप उसको सेटिंग कर सकते हैं कि कौन से सिस्टम से ऑपरेट होगा। इस तरीके से रिपोर्ट आप इसमें से जनरेट कर सकते हैं कि आपने पूरे दिन में या पूरे मंथ में पूरे हफ्ते में आपने कितना मटेरियल किसको भेजा था, तो आप इस तरीके से इसमें बना सकते हैं, उसके लिए सेटिंग है। फिर यहाँ पे आपको डेट डिलीट डेटा का ऑप्शन मिलता है कि इनकेस आपको एक बार में डेटा इरेज करना है, इसमें से क्लियर करके न्यू डेटा बनाना है, न्यू फाइल बनानी है, तो आप यहाँ से डिलीट डेटा कर सकते हैं, तो डिलीट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे पुल सेटिंग मिलता है जो आपको फास्ट में फ्लैश करे आपके प्रिंट आउट पे आए, तो आप इस तरीके से फिर आपको इसमें फास्ट पुल सेटिंग मिल जाता है। फिर आप इस तरीके से नीचे बैक साइड आते रहेंगे तो आपको कीवर्ड आपको कीपैड टेस्टिंग के लिए मिल जाता है। इसमें आप कीपैड टेस्ट कर सकते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। फिर आपको वापस से आप आगे पैरामीटर सेटिंग पे, तो मैं आपको यहाँ पे पैरामीटर सेटिंग तो नॉर्मल आप जो कैपेसिटी रखना चाहोगे उस वेस पे रहेगा। मैं आपको अभी पूरा सेटिंग नहीं बताने वाला क्योंकि पूरा सेटिंग अगर बताने जाऊंगा तो इसका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ इसका नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ, बाकी का जो आपको रिक्वायरमेंट होगी आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको पर्टिकुलर उस पर वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। तो मैं आपको अभी यहाँ पे प्रिंट आउट सेटिंग पे दिखा देता हूँ, बस आप उसमें जानिए। प्रिंट आउट सेटिंग में आप प्रिंटर प्रिंट आउट पे क्या नाम और क्या क्या आएगा वो आप सेटिंग कर सकते हैं। तो आप एक बार जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो है मूवी टैच इंडस्ट्रीज जो हमने यहाँ पे डाला है, फिलहाल हमने उनके लिए मशीन मंगाया है तो उनको देना है, तो उनका नाम यहाँ पे आएगा। बट अभी यहाँ पे आप जो भी डालेंगे फिलहाल ये जब तक इसका परमिशन हम ऑन नहीं करेंगे आप इसको प्लस जाते रहिए। ये हेडर में आप नाम डाल सकते हैं, फिर आपको हेडर यहाँ पे 4 या 5 ऑप्शन मिल रहा है आपको, फिर 5 ऑप्शन आपको हेडर में मिलता है, फिर फुटर में आपको F1 से लेके आप यहाँ से जो भी चीज़ें यहाँ पे डालेंगे जैसे आइटम कोड, तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कि आइटम कोड यहाँ पे जैसे पार्टी नेम, बॉक्स नंबर, वेट या ये सब कुछ आपको यहीं से सेटिंग करने के बाद आपको रिटर्न में वहाँ पे मिलता है। जैसे लॉस्ट डेट, लॉट डेट कौन से डेट को आपने पैकिंग किया था, फिर रिसीव डेट कौन से डेट को सामने वाले ने रिसीव करना चाहिए था। आप इस तरीके से आप यहाँ पे बॉक्स नंबर जो जो आप यहाँ पे ऐड करेंगे आपको सेम टू सेम प्रिंट आउट पे दिखेगा। तो फिलहाल अभी हम मैंने बाकी सारे को इसमें बंद करके रखा है क्योंकि परमिशन के लिए जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप पर्टिकुलर मुझे बोलोगे तो मैं इस पर कैलिब्रेशन कर रहा हूँ। इनकेस इस मशीन को आपको कैलिब्रेशन करना है तो आपको वेट रखने के बाद सीधा अल्ट सी करना है। डायरेक्टली जब आपका इसका लोड सेल कनेक्ट होगा तो अल्ट सी करने के बाद आपको इसका पासवर्ड मिल जाएगा, आप सिंपल इस पर कैलिब्रेशन कर पाओगे। कैलिब्रेशन भी इसका जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका प्रॉपर बता दूंगा। फिर आपको जो इसमें मेन सबसे मजेदार चीज मिलती है इसका प्रिंटर प्रिंट आउट, लाइक अभी प्रिंट आउट निकालने के लिए जैसे आप यहाँ से देखिए यहाँ पे पीसेस दिख रहा है, यहाँ पे वेट दिख रहा है, तो अब आपको जस्ट स्किप करने के बाद ही प्रिंट आउट आएगा। अगर ऐसा आप डेट टाइम पे करेंगे तो आपको प्रिंट नहीं आएगा, आप एक बार स्किप करिए आपको ऐसा इस तरीके से दिखेगा। फिर आप एंटर करेंगे, सॉरी
प्रिंट करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ पीसेस दिखेगा। आप इसके बाद आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं डायरेक्टली। ये देखिए इस तरीके से आपको प्रिंट आउट आ जाएगा। यहाँ पे आपको डेट टाइम, बॉक्स नंबर, पार्टी नेम, वेट, टोटल, अगर प्राइस काउंटिंग है तो आपको टोटल प्राइस आ जाएगा। पीस काउंटिंग में अगर आप इसको ऑपरेट करेंगे तो टोटल पीसेस आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसमें आपको प्रिंटर के बारे में मैं आपको और बता दूं तो इसमें आपको जो साइज का पेपर लगेगा प्रिंट आउट, इनकेस आपका पेपर खत्म हो गया तो आप इस तरीके से इसका ओपन करके आप इसका प्रिंट आउट का रील निकाल सकते हैं। रील निकालने के बाद आप इसमें न्यू रील इंस्टॉल कर सकते हैं तो ये आपको इस तरीके से निकल जाता है। ये देखिए इस तरीके से इसमें अलग अलग पेपर साइज लग सकता है, बट सिर्फ चौड़ा मतलब सॉरी लंबा चौड़ा इतना ही रहेगा, लंबा आप इसमें लंबाई और कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको इसमें और कुछ बढ़ाना है तो इसमें आप बड़े साइज का पेपर ले सकते हैं। बस ये रोल को इजीली डालना है और आपको ऐसा करके क्लोज कर देना है। इस तरीके से क्लोज हो जाएगा तो आपको एक पेज निकाल के अपने आप से वो प्रिंटर अपने आप को सेट कर लेगा, रीसेट। तो इस तरीके से दोस्तों ऐसी और भी बहुत सारी मशीनें हमारे पास से आपको लेने के लिए आप कांटा बाजार को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और भी नई नई मशीनों के बारे में जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मंगाने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या इनकेस आपको इसके बारे में और कुछ जानना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत सारे ऐसी मशीनें हैं जो मैं आपको वीडियोज का दे सकता हूँ, बट सबसे पहला अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो कि वीडियो कम से कम 5 से 10 हज़ार लोगों ने देखा है बट सब्सक्राइब सिर्फ 100 या 150 लोगों ने किया है। अब इतना कम सब्सक्राइबर को दिखाने के लिए अच्छी बड़ी बड़ी मशीनें, अभी मेरे पास टैंक वेट सॉफ्टवेयर है, आपको अलग अलग बहुत सारे सॉफ्टवेयर की मशीनें हैं जो मुझे आपको बतानी है, बट एक ऐसा है कि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर बता के क्या मतलब है। ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, फिर मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो बना के देते रहूंगा और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप मुझे बताते रहिए, इस तरीके से मैं आपको नया नया वीडियो देते रहूंगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।